हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएन चौबे आपके सबसे बेहतरीन चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय कंटिन्यू आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं, और उसमें आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले के टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और रिएक्टिविटी सीरीज का वहां पर क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर आपने मेरा वो टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को देखिए, और उसके बाद जब आप इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो वैसे यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहिए या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहिए, दोनों सेम बात होंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही थी, जहां पर रिएक्शन के दौरान एक कोई भी रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता था, हटा देता था, तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले एग्जाम्पल को समझिए। यहां पर क्या होगा, एक रिएक्टिव मेटल किसी एक कंपाउंड से किसी दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट लिस्ट रिएक्टिव मेटल, जो उससे कम रिएक्टिव मेटल है, उसको हटाएगा। लेकिन वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होगा, वो कहां पर जाएगा, वो उस ज्यादा रिएक्टिव मेटल के प्लेस में पहुंच जाता है। और इसी वजह से यहां पर दो बार रिप्लेसमेंट छोड़ने की वजह से हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो डेफिनेशन बनता है वो बनता है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जैसा कि यहां पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी और एक कंपाउंड है सी डी, इनके बीच में मैंने रिएक्शन कराया और रिएक्शन के दौरान ये पाया गया कि ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। तो अब क्या करेगा, ए सी को हटा देगा। जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पर डी के साथ में सी था और यहां पर डी के साथ में अब कौन आ गया, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में ए आ गया। मतलब ए ने क्या किया, इस डी की जगह पर जो साथ में था सी, उस डी के साथ में पड़े हुए सी को हटा दिया और इसकी जगह पर ए आकर के अटैच हो गया और कंपाउंड बन गया। अब ये सी कहां पर जाएगा, सी जो है ए के प्लेस पर चला जाता है। सी क्या है, ये ए को देख रहे हैं आप, बी के साथ में था, लेकिन अब आप देखिए ये सी क्या हुआ, ए की जगह चला गया। क्यों, क्योंकि ए जो है सी का जगह कवर कर लिया, तो इसी वजह से बी के साथ में कौन आ गया, सी आ गया। तो चूंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट दो जगह पर हो रहा है, एक जो खुद का पोजीशन चेंज कर रहा है और उसकी जगह पर जो आ रहा है, तो दो बार रिप्लेसमेंट होने की वजह से या डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और यहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग इनसॉल्युबल, जब यहां पर कोई भी दो प्रोडक्ट बना तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जरूर क्या होगा, इनसॉल्युबल कंडीशंस में होगा, और वो इनसॉल्युबल कंडीशंस उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। या तो वो सॉल्यूशन के अपर लेयर पर या सॉल्यूशन के लोअर लेयर पर, ऐसा आपको एक सॉलिड फॉर्म में सबस्टेंस नजर आएगा, जो देख करके ही आपको पता चलेगा कि ये डिजॉल्व नहीं हुआ है, ये कोई सोल्यूशन में काम नहीं किया है, दैट विल कॉल प्रेसिपिटेट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होता है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को बताऊंगा और उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो और प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बने और उनमें से एक कोई प्रोडक्ट ऐसा हो विच इज इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल हो, एक सेपरेट लेयर बना ले, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हम बेसिक तौर पर बोले कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद बने हुए प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जो उस कंपाउंड में इनसॉल्युबल फॉर्म में दिखाई दे, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग, जब उनको मिक्स किया जाता है, रिएक्ट भी करेंगे टू फॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे रिएक्शन के बाद, फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, उनमें से कोई एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, और विच सेपरेट आउट एज ए सॉलिड, और वो सॉलिड के तौर पर सेपरेट आपको दिखाई देगा, जो मैंने बताया सॉल्यूशन के अपर लेयर पर या उसके बॉटम में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई भी दो एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद आप एक इनसॉल्युबल कंपाउंड को या तो उस सॉल्यूशन के अपर लेयर पर या तो बॉटम पर पा रहे हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो आप समझिएगा कि वो कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे, इनको आपस में मिक्स किया, तो हमने क्या पाया कि सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब आप समझ गएंगे सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल फॉर्म में अपर लेयर पर दिखाई देता है, ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो ये रिएक्शन क्या होगा हमारा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। क्यों इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा गया, क्योंकि इसमें देखिए दो कंपाउंड को रिएक्शन करवाने के बाद उनमें से एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट फॉर्म में दिखाई दिया। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्यों दिखाई दिया, क्योंकि वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, ठीक है, था दोनों एक्वस सॉल्यूशन लेकिन रिएक्शन के बाद एक प्रेसिपिटेट बन गया और एक्वस बन गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए ऐसा क्या हुआ इनके साथ में, तो यहां पर आप देख रहे हैं सिल्वर और सोडियम, जैसा कि आपको मालूम है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सोडियम क्या करता है, सिल्वर की जगह पर चला जाता है, सिल्वर की जगह पर चला जाता है, ठीक है, सोडियम कहां चला गया, सोडियम सिल्वर की जगह पर चला जाता है, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और इस सिल्वर ने क्या किया, उस सोडियम की जगह पर जगह कवर कर लिया, मतलब बना दिया क्या, सिल्वर क्लोराइड। तो यहां पर देख रहे हैं दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार ये यहां पर डिस्प्लेस हुआ और ये वाला हटा और इसकी जगह पर चला गया, मतलब एक बार और प्लेस हो रहा है, मतलब दो बार प्लेस होने की वजह से दो चीज आप कह सकते हैं, दो सबस्टेंस कह सकते हैं, दो एलिमेंट कह सकते हैं, वो रिप्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं कहीं पर, तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको ऑब्जर्वेशन बेस पर भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं इस इमेज में कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है,
इनके बीच में रिएक्शन करवाया जा रहा है। रिएक्शन के बाद आपने क्या देखा कि इसके अपर लेयर पर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज का है? वो है सिल्वर क्लोराइड का और सोडियम नाइट्रेट का। क्या बन चुका है? एक्वा सोल्यूशन बन चुका है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो क्लास 10th के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन मैंने लिया और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। तो एक प्रेसिपिटेट बना तो डेफिनेटली ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब हमको देखना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहां पर देखिए सोडियम सल्फेट है और रिएक्शन के बाद सल्फेट की जगह पर, सल्फेट के साथ में सोडियम की जगह पर कौन आ चुका है? बेरियम आ चुका है। इसका मतलब सोडियम ने क्या किया? बेरियम का रिप्लेसमेंट कर दिया। अब जैसे ये रिप्लेसमेंट हुआ तो ये बेरियम क्या करेगा? ये सोडियम की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो दो बार रिप्लेसमेंट हुआ, ये इसकी जगह पर गया एक बार हुआ और ये इसकी जगह पर आया एक बार और रिप्लेसमेंट हुआ। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर सोडियम है सल्फेट के साथ में। अब सोडियम यहां पर प्रोडक्ट में देखिए किसके साथ आ गया? क्लोरीन के साथ में यहां पर आ गया है। और ये बेरियम क्या किया? ये सोडियम की जगह पर चला जाता है तो अब ये क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाता है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और उसमें भी ये कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिएक्शन उनमें से एक प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया। आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनमें से मैंने एक टाइप आपको एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकेंड टाइप होता है, जिसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आता है, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि इस चैनल को और जगहों पर भी डिस्ट्रीब्यूट शेयर करके औरों को भी नॉलेज ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें भी सब्सक्राइब और हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए ज़रूर कहें। थैंक यू सो मच।